आप उसको बोलो स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे 32-90 डेज में नहीं गया तो गुलामी करेगा मेरा। दोस्तों अगर आपने भी 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया है और अभी तक आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है तो आज के मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया था उनका पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में कब क्रेडिट किया जाएगा और साथ ही मैं आपको कंपनी की तरफ से आ रहे कुछ नए विड्रॉल अपडेट्स को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 30 सितंबर के बाद आप अपने डिजिटल वॉलेट और रेफरल वॉलेट से कब कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल सही सही जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम के लिए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको 30-90 डेज का जो पे आउट प्रोसेस है उसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अच्छे से समझा देता हूं। दोस्तों कंपनी की तरफ से कुछ दिन पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा जिसमें दिया गया था कि जिन लोगों ने 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगाया है उनका जो पेमेंट है 30 दिन से लेकर 90 दिन के अंदर उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों कंपनी ने आखिर ऐसा क्यों किया, कंपनी इतना ज़्यादा समय क्यों लगा रही है पे आउट देने में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक कंपनी के पास लाखों ईपीएलएस का विड्रॉल रिक्वेस्ट आया है और 7 से लेकर 10 दिन के अंदर इन लाखों ईपीएलएस के विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर पाना संभव नहीं है, इसीलिए कंपनी ने 30-90 डेज का एक टाइम पीरियड रखा है। 30-90 डेज में जो भी कंपनी के पास विड्रॉल रिक्वेस्ट आए हैं उन सारे रिक्वेस्ट को कंपनी अच्छे से वेरीफाई करेगी, जैसे कि उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और KYC डिटेल। दोस्तों इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही कंपनी उनके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट करेगी ताकि उनका ट्रांजैक्शन जो है पेंडिंग ना हो या रिजेक्ट ना हो, पैसा आसानी से उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। तो दोस्तों बस इसीलिए कंपनी ने 30-90 डेज का प्रोसेस रखा है ताकि सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लिया जाए, उसके बाद ही सभी पेनलेस के अकाउंट में उनका जो पैसा है क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसीलिए पे आउट में थोड़ा सा डिले हो रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप 30-90 डेज का जो प्रोसेस है अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट लगा चुके हैं उनका पैसा कब तक उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों कंपनी के पास 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट आए हैं उनको कंपनी की तरफ से 3 स्टेप में कम्प्लीट किया जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप में। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल नए यूजर का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी जिन लोगों को ज्वाइन किए हुए 2 से 3 मंथ हुए हैं उनको फर्स्ट स्टेप में ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेकेंड स्टेप में जिन लोगों को ज्वाइन किए हुए 6 मंथ हो चुके हैं उनको सेकेंड स्टेप में उनके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो जिनको ज्वाइन किए हुए 6 मंथ उससे ज़्यादा हो चुके हैं उनको थर्ड स्टेप में पैसा उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दोस्तों अब आप अपने ज्वाइनिंग के हिसाब से कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है फर्स्ट स्टेप में आएगा कि सेकेंड स्टेप में आएगा या थर्ड स्टेप में आएगा। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया पेमेंट के बारे में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पेआउट्स के नए अपडेट को अच्छे से समझा देता हूँ कि 30 सितंबर के बाद आप अपने अकाउंट से कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, जो अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में कितने दिनों में क्रेडिट किया जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ, प्लीज़ यार आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑक्सिन में आपको 2 वॉलेट देखने को मिलते हैं, एक है डिजिटल वॉलेट, दूसरा है रेफरल वॉलेट। इन दोनों वॉलेट से विड्रॉल करने के लिए कंपनी ने 2 अलग अलग कंडीशन रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डिजिटल वॉलेट से विड्रॉल के कंडीशन जो है उसको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको रेफरल वॉलेट से विड्रॉल की जो कंडीशन है उसको मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं डिजिटल वॉलेट की। दोस्तों आप अपने डिजिटल वॉलेट से महीने के 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अनलिमिटेड विड्रॉल लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने विड्रॉल अमाउंट में किसी प्रकार की लिमिटेशन नहीं रखी है। दोस्तों बस आप 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ही आप अपने बैंक अकाउंट DDC या बल्क PC में विड्रॉल ले सकते हैं, 20 तारीख के बाद आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। 20 तारीख के बाद 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपने जो रिक्वेस्ट लगाया है उसको कंपनी वेरीफाई करेगी और अगले महीने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बस यही है डिजिटल वॉलेट से विड्रॉल करने का कंडीशन जो
क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रेफरल वॉलेट से विड्रॉल करने की। दोस्तों आप अपने रेफरल वॉलेट से DDC और बल्क PC में पर वीक पेमेंट ले सकते हैं। बैंक अकाउंट में आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट अमाउंट जो है अनलिमिटेड है। यहाँ पे पेमेंट अमाउंट में कंपनी ने किसी प्रकार की भी लिमिटेशन नहीं रखी है। दोस्तों यदि आप वीकली पेमेंट लेते हैं तो आपको वहाँ पे DDC और बल्क PC का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप मंथली विड्रॉल करते हैं अपने रेफरल वॉलेट से तो वहाँ पे आपको बैंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप रेफरल वॉलेट से विड्रॉल के कंडीशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से समझा दिया, डिजिटल विड्रॉल और रेफरल विड्रॉल। दोस्तों बस यही थे आज के अपडेट जो कि मैंने आज के इस वीडियो में अच्छे से आपको समझा दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।